गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को, लेकिन गुड मॉर्निंग बार्सिलोना में नहीं हो पा रही बिकॉज एज पर रिपोर्ट्स भाई साहब द टेंशंस बिटवीन जॉन लापोर्ता एंड शावी आर एट ऑल टाइम हाई। क्या रीजंस है उन दोनों के टेंशन के बीच में, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले। मोरवल वी ऑल्सो टॉक अबाउट भाई साहब द पोटेंशियल सूटर्स फॉर मेसन ग्रीनवुड। देर आर मेनी क्लब्स हु आर इंटरेस्टेड टू मेक मेसन ग्रीनवुड देयर नेक्स्ट साइनिंग, एंड कौन से वो क्लब, आप नाम सुन करके ना चौंक जाओगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट एरिक टेन हाग के पोटेंशियल रिप्लेसमेंट्स, व्हेन will he be getting sacked, and if he will be getting sacked who are the potential replacements for Erik ten Hag at Manchester United। आज की वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले। क्विक हेल्थ अपडेट दे दूं तो दोस्तों, कल तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, आज थोड़ी सी बेटर हुई है, लेकिन गला बहुत टाइट चल रहा है, आप लोग आवाज सुन ही रहे हो पूरी कल तक जो है वो भाई, और गला साफ हो जाएगा और तबीयत और बेटर हो जाएगी। बाकी थैंक यू फॉर ऑल दी गेट वेल सून वाले मैसेजेस इन दी कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मोर ओवर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, हेल्प अस टू रीच 100K, क्योंकि देखो तबीयत खराब रहती है लेकिन तो भी वीडियो आप लोगों के लिए आती है, तो हेल्प करके 100K पहुंचने के लिए इस साल के अंत तक। खैर आज आपको ना दो वीडियोस देखने को मिलेंगी, एक तो ये वाली आपको देखने को मिली रही है, अपन बार्सिलोना वर्सेस एंटवर्प के बारे में बात करें, क्योंकि वहां पे कोई नए प्लेयर्स अपन को जो है वो डेब्यू करते हुए नजर आ रहे हैं, राइट बैक वाले में फोर्थ स्टार्ट करते हुए नजर आ रहा है। सो वी गोना टॉक अबाउट दैट, ऑल्दो इट्स अ वेरी डेड रबर वाला गेम, आई नो इट, बट स्टिल वी गोना टॉक अबाउट दैट गेम एंड द पोटेंशियल यू नो थिंग्स विच आर गोइंग इन बार्सिलोना, वी विल बी कवरिंग इन दैट वीडियो एज वेल, सो वेट फॉर दैट वीडियो भाई साहब। फुटबॉल की खबर एक चील के साथ, वीडियो को चालू करते हैं आज की बिना किसी देरी के। लेट्स टॉक अबाउट मेसन ग्रीनवुड का सिचुएशन। सो यू गाइस नो इट, आई नो इट, मेसन ग्रीनवुड के साथ क्या हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड में, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर कुछ यू नो सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस लगाए, जिसके बाद उसके ऊपर केस चला, 2 साल वो फुटबॉल से बाहर रहा। जब केस से वो विदड्रॉ हो जाते हैं तो फिर जो है वो भाई मेसन ग्रीनवुड वापस आते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, बोलते हैं कि मेरे को खेलने का मौका दिया जाए। मैनचेस्टर यूनाइटेड कहती है कि नहीं भाई, हम आपको खेलने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि अपेरेंटली हमारा जो है वो फैन बेस काफ़ी ज़्यादा वोक है, एंड उस वोकनेस के चलते हम आपको जो है वो डायरेक्ट टीम में नहीं भर्ती करवा सकते। इट्स बेटर दैट, बेटर फॉर यू एज वेल एंड अस एज वेल, कि आप दूसरे क्लब में जा करके अपने करियर को जो है वो वापस से रीइग्नाइट करें, एंड एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंड। मेसन ग्रीनवुड वेंट एंड भाई साहब जॉइंड गेताफे, गेताफे लालीगा की एक टीम है, जहाँ पे मेसन ग्रीनवुड जो है वो अब 14 गेम्स खेल करके मेरे ख्याल से 4 गोल और 3 असिस्ट ऐसा कुछ जो है वो उसका मतलब स्टैट रहा है, विच इज़ रियली गुड, बींग रियली वेरी ऑनेस्ट फॉर अ डिब्यूटेंट जो 2 साल फुटबॉल मिस करा हुआ है। नॉट ओनली गोल्स एंड असिस्ट, बट अगर आपने गेताफे के कुछ गेम्स देखे हैं तो उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट गेम में भी काफी बेहतरीन नजर आया है, और इसी चीज को देखते हुए देर आर पोटेंशियल क्लब्स हु आर भाई साहब विलिंग टू टेक दिस रिस्क इन साइनिंग भाई साहब मेसन ग्रीनवुड, एंड दोस क्लब्स आर भाई साहब बार्सिलोना। एज पर द रिपोर्ट्स भाई, बार्सिलोना इज यू नो बेटिंग टू साइन मेसन ग्रीनवुड बिकॉज थोड़ा सस्ता पड़ेगा। मोर ओवर रियल मैड्रिड इज ऑल्सो लुकिंग ऑन मेसन ग्रीनवुड एंड एथलेटिको मैड्रिड एज वेल। अब ये तीन क्लब्स बार्सिलोना, रियल मैड्रिड एंड एथलेटिको मैड्रिड, दीज आर दी क्लब्स हु हैव सेंट देयर स्काउट्स टू वॉच मेसन ग्रीनवुड, बिकॉज ऑब्वियसली मेसन ग्रीनवुड काफी ज्यादा यंग है, वो काफी बेहतरीन नजर आ रहा था 2 साल पहले जब वो यूनाइटेड में डेब्यू वगैरह किया था, और अभी लालीगा में वो अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, तो इन लालीगा वाले टीम्स को काफी ज्यादा हेल्प होगा इफ दे गो हेड एंड बाय मेसन ग्रीनवुड। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, सस्ता मिलेगा और लालीगा का एक्सपीरियंस भी ले रहा है, तो ऑब्वियसली काफी बेहतरीन हो जाएगा, एंड इंप्रूवमेंट तो कर लेगा मेसन ग्रीनवुड जैसा देख करके समझ में आ रहा है। सो ये तीन बड़े क्लब्स भाई साहब स्पेन के आर वॉचिंग ऑन मेसन ग्रीनवुड, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, गेताफे इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड टू रिटेन मेसन ग्रीनवुड एज देयर प्लेयर, बट उनको जो है वो ऑब्वियसली फी पे करनी पड़ेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड को। लेकिन अगर कोई और क्लब गेताफे के अलावा मेसन ग्रीनवुड को लेना चाहेगा तो फिर 15% या 20% कुछ गेताफे को फीस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बार्सिलोना 10 मिलियन के लिए खरीद लेता है मेसन ग्रीनवुड को, तो 1.5 मिलियन जो है वो गेताफे को जाएगा एंड बाकी बचा पैसा जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को जाएगा, तो ऐसा कुछ कहानी है। सो देखने वाली बात होगी क्या होगा, बट मेसन ग्रीनवुड के लिए तीन बड़े क्लब्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड लालीगा के पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस विच ही इज गेनिंग इन लालीगा। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरी खबर में, और वो है बार्सिलोना के बारे में कि क्या रीजंस है टेंशंस बिटवीन शावी एंड जॉन लापोर्ता के बीच में। सो मैं आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। लास्ट गेम जो बार्सिलोना का हुआ था जिरोना के खिलाफ, और उस गेम में जिस तरीके से बार्सिलोना हारी थी, इट वॉज वेरी अनएक्सेप्टेबल। अब देखो उस अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस के चलते एवरीबडी वॉज एंग्री, फैंस भी एंग्री थे एंड द मैनेजमेंट वॉज ऑल्सो एंग्री। एज पर रिपोर्ट्स देयर आर सेवरल बोर्ड के मेंबर्स जिनका भरोसा उठ चुका है शावी के ऊपर से, बट जॉन लापोर्ता इज दी ओनली गाय हु इज बैकिंग शावी विथ ऑल हिज भाई साहब हार्ट। ही इज सेइंग कि शावी
शावी इज ओनली द मैनेजर जो है वो भाई साहब अपन को कैरी करने वाले हैं। आई एम नॉट लुकिंग टू चेंज द मैनेजर एज सच, बट द थिंग व्हाट हैपेंड वाज कि चलो ठीक है, जिरोना वाला स्कोर लाइन को भूल करके हम आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू आता है शावी का और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शावी ने दो चार चीजें कह दी। नंबर वन व्हाट ही सेड कि भाई जो बार्सिलोना है वो अभी एक ट्रांजिशन पीरियड से चल रहा है, बार्सिलोना इज स्टिल डेवलपिंग, दिस इज व्हाट शावी सेड। एंड इसी एक स्टेटमेंट के ऊपर बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स एंड इवन जॉन लपोर्टा एज वेल वाज क्वाइट एंग्री। अब एंग्री होना बनता भी है क्योंकि भाई इतना ज्यादा बैकिंग देने के बाद भी इवन आफ्टर फाइनेंशियल इश्यूज आपको टॉप प्लेयर्स दे दिए गए हैं, स्टिल अगर आप ये सोच रहे हो कि बार्सिलोना जो है वो एक अंडर डेवलपमेंट वाले स्टेज में है तो वो बिल्कुल भी नहीं है। मोर ओवर बोर्ड का ये भी कहना था कि ये अंडर डेवलपमेंट वाली कहानी अगर आप कुक करते कोई बड़े टीम के खिलाफ तो एक बार समझता, लेकिन इफ वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू जिरोना वी आर ऑब्वियसली द बेटर साइड। एंड आप जिरोना के खिलाफ तो आप ये नहीं कह सकते कि आप अंडर डेवलप्ड हो या फिर आप जो है वो डेवलपिंग स्टेज में हो, तो इस स्टेटमेंट से काफी ज्यादा नाराज थे बोर्ड वाले। मोर ओवर व्हाट शावी डिड वाज एंटवर्प वाले गेम में, जो ऑब्वियसली एक डेड रबर वाला गेम है जिसमें हार जीत से कोई मतलब नहीं है, शावी डिसाइडेड टू रेस्ट हिज टॉप प्लेयर्स। उस टॉप प्लेयर की लिस्ट में लेवेंडोस्की, गुंडोगान एंड भाई साहब अराउओ थे। अब जॉन लपोर्टा ये कहते हैं कि भाई आफ्टर लूजिंग द गेम आप प्लेयर्स को कैसे रेस्ट दे सकते हो, ठीक है आप एक डेड रबर गेम खेलने जा रहे हो बट डस नॉट मीन कि आप अपने मेन प्लेयर्स को जो है वो रेस्ट दे दोगे, डेट टू आफ्टर लूजिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम। और वो आप अगर रेस्ट दे देते हो तो आप एक मैसेज सेट कर रहे हो ड्रेसिंग रूम में कि यू नो हार जीत तो लगी रहती है, तुम लोग जाओ आराम करो, जो एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। सो जॉन लपोर्टा ने शावी को ऑर्डर दिए कि यू नो व्हाट, तू जो प्लेयर्स को रेस्ट दे रहा है ना उन प्लेयर्स को लेके जा एंड वॉप, और यूसीएल में उन लोग को जो है वो भाई बेंच में बैठवाना, लेकिन लेके जा, रेस्ट वगैरह कुछ नहीं देगा। अब इन्हीं सब चीजों के चलते शावी और जॉन लपोर्टा के बीच में थोड़े से टेंशन हो गए कि यू नो द प्रेसिडेंट इज इंटरफियरिंग विद द मैनेजर और यहाँ पे वो ऑर्डर्स पास कर रहे हैं कि तू ये कर ये मत कर। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक क्लिप भी जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी ट्विटर पे, जहां पे ऐसा दिखाया जा रहा था कि जॉन क्रॉफ जो ऑब्वियसली बार्सिलोना लेजेंड है वो शावी को बताते हैं कि अगर प्रेसिडेंट इंटरफेयर करता है यू नो मैनेजमेंट के साथ तो आप प्रेसिडेंट को बोलो कि भाई गो टू हेल, तू चुप रहे, आई एम द पर्सन हु इज मैनेजिंग द टीम। सो ये सब कुछ चीजें हुई जिसके चलते टेंशन काफी ज्यादा है बिटवीन शावी एंड प्रेसिडेंट। ऑल दो एक रिपोर्ट और कॉन्ट्ररी सजेस्ट ये करती है कि जो फ्लाइट अभी गई है एंटवर्प में उसमें जॉन लपोर्टा एंड शावी आमने सामने बैठ करके काफी सारी चीजों के बारे में बात करें और बहुत ही एक फ्रेंडली मैनर में जो है वो दोनों के बीच में बातें हुई हैं। वहां पे कोई भी टेंशन वाली जो है वो सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी एंड उस मीटिंग में बहुत नुआंस डिटेल्स जो है वो भाई साहब डिस्कस किए गए हैं दोनों बंदों के द्वारा। अब एक और रीजनिंग जो प्रोवाइड करी गई है क्यों रेस्ट वगैरह नहीं दिया गया है एंटवर्प वाले गेम के खिलाफ, और वो ये है कि अगर ये वाला गेम बार्सिलोना जीत जाती है, ऑल दो एक डेड रबर गेम है, बार्सिलोना विल बी गेटिंग 2.5 मिलियन बाय जस्ट विनिंग दिस गेम एंड एंटरिंग इनटू द नॉकआउट्स। तो पैसों की अहमियत जॉन लपोर्टा समझ रहे हैं इस डायर नीड ऑफ टाइम पे, तो इसलिए जॉन लपोर्टा कह रहे हैं कि भाई तू फालतू रेस्ट वगैरह मत दे, प्लेयर को स्ट्रॉन्ग टीम लेकर के जा, जीत के आ गेम और 2.5 मिलियन हमको दिला भाई, क्योंकि पैसे की आवश्यकता है हम लोग को। तो ये सब चीजें चल रही हैं बिटवीन जॉन लपोर्टा एंड शावी। ऑल्दो एज आई हैव टोल्ड यू गाइस अर्लियर कि बोर्ड में से दो चार मेंबर्स का भरोसा उठा है शावी से, बट जॉन लपोर्टा जो प्रेसिडेंट है क्लब के, ही इज बैकिंग शावी विद ऑल ऑफ हिज हार्ट। दैट मीन शावी जो है वो सैक नहीं होगा, बट थोड़ी सी गर्मा गर्मी तो है दोनों के बीच में। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारी आखिरी खबर में, और वो है एरिक टेन हाग से रिलेटेड खबर। ऑब्वियसली यू गाइस नो इट, आई नो इट कि भाई बायर्न के खिलाफ मैनचेस्टर यूनाइटेड का परफॉर्मेंस वॉज नॉट रियली गुड, एंड उस परफॉर्मेंस को देख करके मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनका जो है वो मूड खराब हो चुका है एरिक टेन हाग के साथ। अब प्रॉब्लम ये हुई कि भाई उस गेम में जो है पूरे 90 मिनट्स में केवल एक ही शॉट ऑन टारगेट गया मैनचेस्टर यूनाइटेड के द्वारा, और वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट गेम था उनके लिए। और वो गेम खत्म होने के बाद अब मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो कंप्लीटली आउट ऑफ यूरोप हो चुकी है, दे वोंट बी पार्टिसिपेटिंग इन यूरोपा, दे वोंट बी पार्टिसिपेटिंग इन यूसीएल ऑब्वियसली। सो इस चीज को देखते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड मेंबर्स आर रियली वेरी फ्यूरियस एंड दे आर रीथिंकिंग देयर डिसीजन अबाउट भाई साहब मेकिंग एरिक टेन हाग
देयर नेक्स्ट मैनेजर। अब देखो ऑब्वियसली बात है, जब इतने गंदे परफॉर्मेंस आते रहेंगे तो भाई गर्मा गर्मी तो रहेगी, और उस गर्मा गर्मी के मद्देनजर रखते हुए अब जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की बोर्ड ऑलरेडी लिस्ट बनाने की तैयारी कर चुकी है कि कौन होंगे पोटेंशियल रिप्लेसमेंट्स फॉर एरिक टेन हाग। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वो सैक कब होगा। तो बोर्ड वाले जो है वो इस डिसीजन को कंजर्व करके रखे हुए हैं अप टिल वो जो है ना सर जिम रेडक्लिफ वो जो है वो बोर्ड का पार्ट ना बन जाए। जब सर जिम रेडक्लिफ बोर्ड का पार्ट बनेंगे तब जो है वो इस डिसीजन को उन लोग बाहर करेंगे कि हाँ वी आर भाई साहब सैकिंग एरिक टेन हाग। अब हु आर द पोटेंशियल रिप्लेसमेंट, सो लेट मी टेल यू दोस्तों, जनवरी में जो है वो खत्म हो जाएगा एरिक टेन हैग का जो भी पूरा कहानी चल रहा है। इफ सर जिम रेडक्लिफ कम्स एंड सेज कि यू नो व्हाट एरिक टेन हाग तेरा कहानी पूरा हो गया तू अब निकल ले। सो लेट मी टेल यू द मैनेजर के नाम। सबसे पहला मैनेजर ऑब्वियसली ज़िनेदिन ज़िदान, हमेशा इसका नाम सामने आता है। ग्राहम पॉटर इज ऑल्सो ऑन द लिस्ट। रोबर्टो डी ज़र्बी जो मुझको नहीं लग रहा क्लब छोड़कर के अपना जाएगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज जूलियन लोपेटेगी। नाउ आउट ऑफ दिस ऑल ऑप्शंस द प्रोमिनेंट ऑप्शन जो सबसे ज्यादा रिपोर्ट में छाए हैं और वो है भाई साहब जूलियन लोपेटेगी, एक्स रियल मैड्रिड के जो है वो मैनेजर ये रह चुके हैं एंड वो उसको भी इन्होंने मैनेज किया है। सो जूलियन लोपेटेगी इज द मैनेजर जो समझ में आ रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगले मैनेजर बनेंगे आफ्टर एरिक टेन हाग। इज ही द राइट ऑप्शन? आई गेस नो, बट यही जो है वो रिपोर्ट्स में जो है वो सामने आ रहा है। सो अब देखने वाली बात होगी कि भाई ये कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, बट यही जो है वो खबर निकल करके आ रही है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग एज वेल दोस्तों, जब तक जो है वो भाई सर जिम रेडक्लिफ नहीं आते हैं तब तक सैकिंग का कोई भी जो है वो कहानी नहीं होगी। एंड बिफोर सैकिंग जनवरी में एरिक टेन हाग विल बी भाई साहब मेकिंग सम ऑफ हिज स्टाफ मेंबर्स गो। जनवरी में जो है वो ट्रांसफर विंडो में वो अपने स्टाफ के मेंबर्स को भी जो है वो भाई सैक करने वाले हैं। मोर ओवर बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ करके आपको जाते हुए नजर आएंगे। एक कंप्लीट रीडिजाइंड आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड देखने को मिलेगी आफ्टर दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो। यही थी दोस्तों आज की खबरें। मैं मिलता हूं आपसे कल इसी एक वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मैं शीश के साथ नोबिट कर पीस। जय हिंद, वंदे मातरम। सका डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर रेखा जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखा जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखा जी के साथ, फुटबॉल की खबर रेखा जी के साथ।